दोस्तों आईपीएल 2022 में केकेआर की टीम अपना नेक्स्ट मैच खेलेगी दिल्ली टीम के खिलाफ 28 तारीख को और किसी भी तरह इस मैच को जीतना ही पड़ेगा। अब लोगों को बता दूं लगातार 4 मैचेस हार चुकी है केकेआर की टीम, पॉइंट टेबल में नंबर 8 की पोजीशन पर पहुंच चुकी है। प्लेऑफ्स खेलना है तो यहां से सारे मैचेस को जीतना पड़ेगा। तो हर मैचों में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर हुआ है, अभी भी केकेआर अपना परफेक्ट प्लेइंग 11 ढूंढ रही है। तो दिल्ली टीम के खिलाफ मैच में फिर से कुछ चेंजेस होने वाला है। कैसा होने वाला है केकेआर टीम की नेक्स्ट मैच की प्लेइंग 11, कौन से प्लेयर्स को दोबारा मौका मिलेगा जानेंगे इस वीडियो में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केकेआर की टीम लास्ट 2 मैच बहुत ही नजदीक आने के बाद भी हार चुकी है। गुजरात टीम के खिलाफ मैच में केकेआर ने एरोन फिंच के जगह सैम बिलिंग्स को खिलाए थे। एरोन फिंच अभी बिल्कुल फिट है तो केकेआर के लिए टफ चॉइस होने वाला है। तो ओपनर्स के बारे में बात करें तो केकेआर को इस साल अभी तक अपना परफेक्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं मिला है। लास्ट ईयर का सबसे सक्सेसफुल ओपनर वेंकटेश अय्यर इस साल फ्लॉप जा रहे हैं। तो लास्ट 2 मैचों में केकेआर एरोन फिंच, सुनील नारिन और सैम बिलिंग्स को ट्राई किया है। वेंकटेश अय्यर मिडिल ऑर्डर में खेल रहे थे लेकिन वहां भी फ्लॉप जा चुके हैं। तो वेंकटेश के लिए ओपनिंग ही परफेक्ट स्पॉट है, तो इस मैच में ओपन करेंगे वेंकटेश अय्यर और उनके साथ एरोन फिंच। उसके बाद मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स के बारे में बात करें तो नंबर 3 पर उतरेंगे श्रेयस अय्यर, नंबर 4 पर रिंकू सिंह या तो नीतीश राणा और नंबर 5 पर शेल्डन जैक्सन या तो बाबा इंद्रजीत। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह लास्ट मैच में काफी बढ़िया खेले हैं, अब इस मैच में भी उनको जरूर से मौका मिलना चाहिए। लेकिन अब समस्या यह है कि विकेटकीपर बल्लेबाज कौन खेलेगा। केकेआर एरोन फिंच को अगर खिलाएगी तो विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पे शेल्डन जैक्सन या तो बाबा इंद्रजीत को खिलाना पड़ेगा और उसके लिए नीतीश राणा को बाहर जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, लोअर ऑर्डर प्लेयर्स के बारे में बात करें तो नंबर 6 पर उतरेंगे आंद्रे रसेल, नंबर 7 पर सुनील नारिन। दोस्तों सुनील नारिन गेंदबाजी तो काफी अच्छा किया है लेकिन बल्लेबाजी में रन नहीं बना पा रहे हैं। और दोस्तों आखिर में गेंदबाजों के बारे में बात करें तो नंबर 8 पर उतरेंगे उमेश यादव, नंबर 9 पर टीम साउथी, नंबर 10 पर शिवम मबी और आखिर में नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों अब इस प्लेइंग 11 में अगर केकेआर एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाना चाहेगी तो तब नीतीश राणा और रिंकू सिंह दोनों खेलेंगे, मबी को बाहर जाना पड़ सकता है और तब रसेल को 4 ओवर बॉलिंग करना पड़ सकता है। तो केकेआर टीम का प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। बहुत ही जल्द केकेआर को एक परफेक्ट और स्टेबल प्लेइंग 11 तैयार करना पड़ेगा बाकी 6 मैचों के लिए। तो आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए दिल्ली टीम के खिलाफ केकेआर टीम की प्लेइंग 11? वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।